श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है जब सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर भगवान शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चा में प्रावृत होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति पारायण हो शिवलिंग की पूजा करता है उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनमें शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इंद्र पगराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्मपीत मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने, वेद देवगण चांदी के शिवलिंग की व सुगुण पीतल के बने हुए शिवलिंग की, दोनों अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्य गणातम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मायासुर चंदन निर्मित लिंग और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की, ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए, तब वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनकी हित की कामना से शिवलिंग देकर तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाकमणि महादेव जी के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम पारायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे भगवान शिव की पूजन की विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है, उससे भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें, जो आपने वर्ण और आश्रम के शास्त्रों के द्वारा
प्रतिपादित किया है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया है उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उसी के अनुसार दान करें। कर्म में सहस्त्रो यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रो तपो यज्ञों से तप यज्ञ का अधिक महत्व है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान यज्ञ का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस भगवान शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्राश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पार ब्रह्मा शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म फल बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तो उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकाट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति होती है। भेदभाव की पूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक ग्रस्त आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के नीचे जाने पर सखा स्थान या संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। अध्याय 12, भगवान शिव के पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर माँ जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दतावन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दतावन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्न पूर्वक दतावन त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार साद्र संक्रांति ग्रहण महादान
तीर्थ उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान करे और शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह होकर सम्मुख स्नान करें।